सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अनमोल शुक्ला एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद मी। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं गांधीयन फिलॉसफी की। सिर्फ गांधीयन फिलॉसफी के बारे में ही नहीं, हम ये भी पढ़ेंगे कि भाई सेवन डेडली सिंस क्या थे और गांधीयन फिलॉसफी फॉर वेल्थ मैनेजमेंट क्या थी। सो विल स्टडी अबाउट इट इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट इफ यू न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। ऑल्सो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिस तरीके से आप सपोर्ट दे रहे हैं अभी उसी तरीके से सपोर्ट देते रहे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स गो इनटू द स्लाइड्स। गांधीयन फिलॉसफी, द बेस ऑफ गांधीयन फिलॉसफी इज दैट एन इंडिविजुअल इज द सोर्स ऑफ रिवोल्यूशन एंड चेंज। If an individual manages himself well, it would lead to better management of society. You need to understand this thing very clearly. अपने दिमाग में आपको ये रखना है। गांधी जी जो थे उनका सीधा सीधा ये मानना था कि भाई एक शुरुआत जो है अच्छा बनने की शुरुआत इंसान जो है वो अंदर से करता है। जब आप बात करते हो कि भाई सोसाइटी चेंज हो जाए या आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहते हो, तो वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज है वो आप नहीं ला सकते जब तक आप खुद में चेंज नहीं लाते। इंसान को चीज़ें चेंज करने के लिए सबसे पहला चेंज अपने अंदर लाना पड़ता है। दैट्स द बेस ऑफ गांधीयन फिलॉसफी, दैट एन इंडिविजुअल इज द सोर्स ऑफ रिवोल्यूशन एंड चेंज। कि कोई इंडिविजुअल ही, हर इंडिविजुअल यूनिक इंडिविजुअल है और ये बात हमें समझनी होगी कि इंडिविजुअल ही रिवोल्यूशन और चेंज का सोर्स है। जो चेंज वो विश करता है कि भाई सोसाइटी या एनवायरनमेंट में आए, उसे पहले वो अपने अंदर लाना होगा। सो इफ एन इंडिविजुअल मैनेजेस हिमसेल्फ वेल, इट वुड लीड टू बेटर मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी। तो आप चाहते हो कि भाई सोसाइटी अच्छी तरीके से मैनेज हो, तो उसके लिए सबसे पहले खुद को मैनेज करना आना होगा। इफ एन इंडिविजुअल मैनेजेस हिमसेल्फ वेल, इट वुड लीड टू बेटर मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी। व्हाट ही ट्राइज टू कन्वे हियर इज कि भाई दूसरों में चेंजेस देखने से पहले खुद में वो चेंज लाओ। That's important. That and that's what the Gandhian philosophy is. Once again, I am repeating ये चीज़ कि भाई individual है ये source of revolution और change. So I hope आपको clarity मिली होगी कि गांधी जी किस तरीके से, क्या उनकी thought थी, क्या उनकी सोच थी, क्या उनकी philosophy थी. So let's go आगे. What are the features? What are some features of Gandhi's leadership style? Of course, बहुत सारे हो सकते हैं, but हम कुछ की बात करेंगे जिनसे कहीं ना कहीं ये dominating traits जो हैं ये हमें दिख जाएंगे कि भाई गांधी जी की leadership style इससे काफ़ी हद तक हमें समझ में आ जाएगी कि किस तरीके के leader गांधी जी थे, तो उनकी leadership style के क्या features हैं। Let's talk about that. Number one is consistency of thought and action. Very important. उनके अंदर मतलब A lot of people nowadays, उनके अंदर क्या है कि भाई वो जो सोचते हैं एक्शन में उसको अलाइन नहीं कर पाते, तो their thoughts are in different direction, actions are in different direction. Whatever they are thinking, they are actually not putting it, and you know they don't have the courage also, and they don't have that risk taking capacity also to put that thing and you know convert it into action. So consistency बहुत ज़रूरी है thought और action की। ज़रूरी ये है कि भाई जो आप सोच रहे हो उसको action में भी put करो। So गांधी जी की leadership style में और वो जिस तरीके के leader थे उसमें दिखता है कि भाई वो जो कहते थे वो ये करते थे। Consistency है थॉट और इमोशन की भी। दैट्स अ फर्स्ट फीचर ऑफ गांधी जीज लीडरशिप स्टाइल। अनदर इज क्रिएटिव लीडरशिप थी। चाहे आप उनके डिफरेंट डिफरेंट आंदोलन उठा लें, सब में वो जज्बात पर फोकस करते थे, अहिंसा के खिलाफ थे वो। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस पर वो पूरी तरीके से वो देते थे, अपना फोकस देते थे। वो यही कहते थे कि भाई हमें वायलेंस पर नहीं जाना है। सत्याग्रह पर वो हमेशा जोर देते थे, वो सत्य की राह पर हमेशा चलते थे, सत्य की राह से लड़ते थे वो, शांति की राह में आंदोलन लड़ते थे। क्रिएटिव लीडरशिप स्टाइल देखने को मिलती है। तरह तरह के इस तरीके के आंदोलन जब आप हिस्ट्री में उठाओगे उनके, तो वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई उनकी लीडरशिप स्टाइल डेफिनेटली क्रिएटिव थी। तो कंसिस्टेंसी ना सिर्फ थॉट और एक्शन की बल्कि क्रिएटिव लीडरशिप भी देखने को मिलती है, इसमें अहिंसा और सत्याग्रह, ये हम कह सकते हैं ट्रेड्स जो हैं कहीं ना कहीं गांधी जी के थे। तीसरी लीडरशिप स्टाइल जो थी गांधी जी के अंदर वो थी लेट गो ऑफ व्हाट पीपल थिंक। A lot of time in today's world also, people are like, they are continuously thinking what other people will think about of them. You know, ki bhai, log kya sochenge. So that's what Gandhi ji's leadership style is, ki bhai, let go of what people think, ki bhai, log kya soch rahe hain, it none of my business. What my core values are,
those are important. My core values are important. My intuition is important. It doesn't mean ki I'm going to be selfish, but I am having empathy. I'm kind also. I'm honest also. But at the same time, I know what is important to me, what my core values are, what I am passionate about. So I'm going to let go of what people think, because what people think is none of my business. A lot of time, jab aap achha kaam karne jaoge, this is I'm telling you with respect to Gandhiji. Jab aap achha karne jaoge, so people will definitely come there and will tell you this is not right, this is not right. But as long as you think that it is right and you're not harming anyone, let go of what people think. Because your core values are important. What your ethical values are, what you think about a certain situation, what your boundaries are, kitna aap allow karte ho logo ko apni life mein. So these are all things which are related to core values, and those are important. Number four feature of Gandhiji's leadership style is empathy, love towards others, kindness, you know, so that is also important. Fifth, equality among everyone. No discrimination. Discrimination on the basis of age, discrimination on the basis of gender, discrimination on the basis of anything, on the basis of caste, religion. Equality honi chahiye among everyone. Sab ek barabar hai. Number six, no reward expectations. You're not doing something because usse reward milne wala hai. You're doing something because your values are aligned with that particular situation. रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशंस मत रखो. रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वॉट एवर इट मे बी, बट आपको रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है. ऑनेस्टी रखनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, एक फेयर संचालन रखना है हर चीज में. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ गांधी जी लीडरशिप स्टाइल विच यू कैन इंक्लूड इन योर एग्जाम. आपके कंटेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे जनरली भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया. नाउ कमिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट इज गांधियन फिलॉसफी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट. वेल्थ मैनेजमेंट के लिए गांधियन फिलॉसफी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ द गांधियन फिलॉसफी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ वेल्दी मैन डज नॉट ट्रूली हैव द राइट टू होल्ड वेल्थ सोलली फॉर सेल्फ. द ओनली राइट ही हैज इज दैट टू एन ऑनरेबल लाइवलीहुड. आप नहीं समझ पाए होंगे क्या है. सबसे पहले गांधियन फिलॉसफी वेल्थ मैनेजमेंट के लिए ये थी कि उनका ये मानना था, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल ये था, उनका ये मानना था कि भाई जो वेल्दी लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, ऐसे लोग जिनके पास काफ़ी पैसा है, दे आर रिच, सो तो वो जो वेल्दी लोग होते हैं उनके पास ये राइट नहीं है कि वो क्या करें कि भाई जो पैसे हैं उनको पूरी तरीके से कलेक्ट कर लें, स्टोर करके रखे रहे, स्टॉक में रखे रहे खुद के लिए सिर्फ, बल्कि होना ये चाहिए कि वो इस तरीके से इस्तेमाल करें पैसे का कि सबका भला हो सोसाइटी में, गरीबों का भी भला हो, फॉर कॉमन गुड उनका पैसा काम आना चाहिए, ना सिर्फ इसलिए कि भाई जमा होता जा रहा है उनके खजाने में, मनी स्टोर करते जा रहे हैं, स्टॉक में रखते जा रहे हैं. दैट इज व्हाट गांधी जी थिंक्स अबाउट मनी. सो द गांधियन फिलॉसफी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ वेल्दी मैन डज नॉट ट्रूली हैव द राइट टू होल्ड. होल्ड का मतलब होता है स्टॉक और स्टोर ऑफ मनी, कि भाई जो पैसे वाले लोग होते हैं, वेल्दी मैन होते हैं, दे डज नॉट ट्रूली हैव द राइट टू होल्ड वेल्थ सोलली फॉर सेल्फ. सही मायने में उनके पास ये राइट नहीं है कि वो पैसे को, खजाने को जोड़ के रखे सिर्फ खुद के लिए. द ओनली राइट ही हैज, उनके पास जो सिर्फ एक लौता राइट है वो ये है, इज दैट टू एन ऑनरेबल लाइवलीहुड, कि वो इस तरीके से काम करें कि लोगों का भला हो. बेसिकली व्हाट ही बिलीव्स इन इजी, इन सिंपल मैनर, इफ आई एम गोइंग टू यू नो इस जो भी चार पांच लाइन है इनको बताने की कोशिश करूंगा, इफ आई एम गोइंग टू सम अप व्हाटएवर दीज फाइव लाइन्स आर, दैट वेल्दी पीपल दे शुड यूटिलाइज देयर वेल्थ फॉर कॉमन गुड. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया. दैट इज वॉट ही थॉट अबाउट वेल्थ मैनेजमेंट. उनका कहना, उनका ये सोच थी उनकी वेल्थ मैनेजमेंट के लिए. नाउ देर आर सेवन डेडली सिंस विच आर प्रपोज्ड बाई गांधी जी, और आपको बता दूं कि ये पब्लिश किया गया था गांधी जी के ही द्वारा न्यूज़पेपर में 1925 में. और आप मानोगे नहीं ये कितने इम्पॉर्टेंट है, जो ये सात डेडली साइंस, जो उस डेडली सिंस
कहीं ना कहीं पाप हम कह सकते हैं, जो उन्होंने उस टाइम बनाए थे 1925 में, और आज 2023 चल रहा है, और हाउ इम्पोर्टेंट इट इज हम इन प्रपोज्ड सिंस का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इनको बैक ऑफ द माइंड में रखते हैं बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी जगहों पर भी, इंस्टीट्यूशन पर भी. सो क्या है वो सेवन डेडली सिंस प्रपोज्ड बाई गांधी जी, लेट्स अंडरस्टैंड. पहला उनके हिसाब से जो डेडली सिन है वो है वेल्थ विदाउट वर्क, पैसा बिना काम के. नाउ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट हैव हियर रिगार्डिंग दिस सिन इज अर्निंग एंड गेटिंग समथिंग विदाउट डूइंग एनीथिंग, कि भाई आप पैसे कमा रहे हो बट आपने उस पैसे कमाने के लिए मेहनत कुछ भी नहीं की, ना सिर्फ मेहनत आपने कुछ किया ही नहीं, अर्निंग एंड गेटिंग समथिंग विदाउट डूइंग एनीथिंग, दैट इज वॉट गांधी जी मेंट बाई वेल्थ विदाउट वर्क. जब उन्होंने प्रपोज किया सिन, पहला सिन वेल्थ विदाउट वर्क, पैसा बिना काम के. इन टूडेज वर्ल्ड इफ वी आर गोइंग टू अलाइन दैट प्रिंसिपल ऑफ वट एवर गांधी जी हैज प्रपोज इन 1925, आज के टाइम पर अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें, सो इन टूडेज वर्ल्ड देर आर प्रोफेशंस बिल्ट अराउंड जस्ट लाइक दिस. बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो इसी बात पर बिल्ट है कि भाई हमें काम ना करना पड़े और पैसा आता रहे. And that is done through manipulation of markets and assets. और इसको किया भी जा रहा है through manipulation of market, manipulation of assets, और taxes invade करके पैसे कमाना, दिखाना ही नहीं, taxes pay ही ना करना, free government programs के through benefit लेना, जितने भी citizenship है उसके जितने भी फायदे या perks हैं उनको enjoy करना without actually having any risk or responsibility. So that is what wealth without work is. So the basic understanding you must have here regarding this sin is earning and getting something without doing anything. In today's world, there are professions built around just like this, done through manipulation of market and assets, making money by evading taxes, benefiting from free government programs, enjoying all the perks of citizenship without actually having any risk or responsibility. Dusra sin hai pleasure without conscience. This has always been the major concern for greedy and selfish people. ये कुछ questions हैं जो कि हमेशा उन लोगों के लिए जो कि selfish हैं, जो कि लालची हैं, ऐसे लोगों के लिए हमेशा major concern रहता है कि भाई इस particular situation में, इस particular काम में, what's in it for me? मेरे लिए क्या है? Will this please me? क्या इससे मुझे खुशी मिलेगी करने में? Will it ease me? क्या इससे मुझे एक स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा, एक कंफर्ट मिल जाएगा, एक ईज मिल जाएगी? सो ये होता है प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, कि बिना कॉन्शियंस के आपको प्लेजर चाहिए. एंड दैट इज व्हाट गांधी जी सेकंड सिन इज, जो उन्होंने बताया कि सेकंड जो है ये डेडली सिन है, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, कि हर चीज में अपना फायदा ढूंढना. दैट इज वॉट मैं बताऊंगा अगर ऊपर ऊपर से, तो यही है, हर चीज में अपना फायदा ढूंढना. क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपना फायदा नहीं देखना होता है, कई बार हमें चीजें करनी पड़ती हैं इस तरीके से कि यहाँ जहां पर हमारा थोड़ा नुकसान भी हो बट लॉन्ग टर्म में सोसाइटी या कहीं ना कहीं अर्थ का फायदा हो. सो दैट इज वॉट प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस इज ऑल अबाउट. एक आइडिया मैं आपके दिमाग में इसके इससे रिलेटेड रखना चाह रहा था. नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, तीसरा डेडली सिन, कि भाई नॉलेज जो है बिना किसी कैरेक्टर के बेकार है. बहुत पढ़े पढ़े लिखे ब्राह्मण जो थे वो बहुत बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, ही वाज ब्रिलियंट, बट कैरेक्टर नहीं था. सो क्या हुआ, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर डिजास्टर. सो एज डेंजरस एज ए लिटिल नॉलेज इज, जितनी डेंजरस हमें लगती कि भाई कम पढ़ना है, What's even more dangerous is, उससे भी ज्यादा dangerous है knowledge without having a strong ethic. अगर आपको सही गलत का अंदाजा नहीं है लेकिन आप बहुत पढ़े लिखे हो, कोई फायदा नहीं है, it's going to ultimately affect the whole earth. Disaster है वो अर्थ के लिए, क्योंकि आप गलती करने वाले हो फिर. So what's even more dangerous is knowledge without having strong ethic, without having principled character, without having, you know, understanding of what is right and what is wrong, without having understanding of justice and crime, just working on intellect and not the internal development, it makes no sense. You have to work internally first. Character development takes place from inside, understanding who we are, what our purpose is, what values we focus on and what we thrive for. Inke answers aapko pehle pehchanne honge, who you are. Ye sabse pehla question hona chahiye. कैरेक्टर डेवलपमेंट का इनसाइड आपको अपने अंदर झांकना होगा पहले. सो नॉलेज विदाउट कैरेक्टर डेफिनेटली इट्स अ डेडली सिन व्हिच इज प्रपोज्ड बाय गांधी जी उनके
सेवन डेडली सिंस में. तो देखो अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई एग्जाम में कैसे लिखूंगा, बस पॉइंट्स याद करके जाओ. देखो कंटेंट तो आप खुद ही बना लोगे, ठीक है, आपको आइडिया खुद लग जाएगा. जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको कंटेंट लिखना एग्जाम में, सो इट्स गोइंग टू बी ईजी. जस्ट पॉइंट याद करके जाओ, थोड़ा बहुत अंदर की भी कंटेंट को समझ लो. जैसे मैं बता रहा हूँ हर चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है. चौथा जो डेडली सिन है वो है कॉमर्स विदाउट मोरालिटी. इसका क्या मतलब है? Now we already aware of the fact that business is nothing without ethics. वही है ये commerce without morality का सीधा सीधा मतलब है business without ethics. तो business बिना ethics के चल सकता है क्या? कितनी बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, नहीं चल सकता. So we are already aware of the fact that business is nothing without ethics. तो how we treat others, how honest and transparent we are towards the organization, और the organization कितनी transparent है towards the society. जो स्पिरिट है, जो जो पैशन है ऑफ सर्विस का, कंट्रीब्यूशन का, ये सारी चीज़ें दीज आर द फाउंडेशन टू विच अ बिजनेस बिल्ड्स इटसेल्फ. एथिक्स प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क जिसके हिसाब से सबको गाइडेंस मिलता है कि किस तरीके से उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ना है, बैक ऑफ द माइंड में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है. एंड दैट यू नो इट मेक्स वेरियस ऑपरेशंस इन बिजनेस टू वर्क स्मूथली. तो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इट्स अ मॉरल चैलेंज टू सी बोथ पार्टीज कम आउट फेयरली. एंड फेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस. तो ये सब कॉमर्स विदाउट मॉरेलिटी में आता है कि बिना मॉरेलिटी के बिजनेस कुछ है ही नहीं. देखो कहीं ना कहीं अगर आप गौर करो इन सेवन डेडली सिन की तरफ, तो ये सिन तो आपको बता रहे हैं, एट द सेम टाइम आपको क्या करना है वो भी बता रहे हैं. जैसे आप पहला ध्यान दो, वेल्थ विदाउट वर्क. बिना काम के वेल्थ बेकार है, लेकिन अपने आप में अगर काम कर लो तो वेल्थ बहुत कुछ है. प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस इज अ बैड थिंग. नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज अ बैड थिंग. बट एट द सेम टाइम अगर कैरेक्टर और नॉलेज दोनों का मिक्सचर है आपके पास, आप बहुत अच्छे कैरेक्टर हो और पर्सन हो. कॉमर्स विदाउट मॉरेलिटी डेफिनेटली, बिजनेस विदाउट एथिक्स ये बेकार है एकदम. बट अगर एथिक्स इन्वॉल्व है बिजनेस में आपके, सो इट्स अ गुड थिंग. ठीक है, तो यानी कि एट द सेम टाइम आपको सिन तो बताए जा ही रहे हैं, लेकिन क्या करना है ये भी इसी में छुपा हुआ है. होप यू गॉट अ क्लैरिटी अबाउट दैट. पांचवा डेडली सीन है साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी. बिना ह्यूमैनिटी के अगर आप साइंस में जाओगे, टेक्नोलॉजी में जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, डिस्ट्रक्शन होगा. किसका? हमारी खुद ह्यूमंस का, अर्थ का. सो इफ साइंस बिकम्स ऑल टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी, इट क्विकली डीजेनरेट्स इनटू मैन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव चेंज्ड द फेस ऑफ एवरीथिंग. यहाँ पर ये होना चाहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हर चीज की शक्ल एकदम बदल दी है. दे हैव चेंज्ड द फेस ऑफ एवरीथिंग, बट द फंडामेंटल थिंग्स, जो कोर वैल्यूज हैं, दे स्टिल अप्लाई एज टाइम गोज बाय. सो हर चीज में आप साइंस नहीं ला सकते. सिक्स्थ जो डेडली सीन है वो है रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस. विदाउट सेक्रीफाइस रिलीजन इज लाइक इट्स नॉट दैट वर्थ इट. कुछ चीजों का सेक्रीफाइस करना होगा. आई वॉन्ट कि आप इसके बारे में रिसर्च करें और होमवर्क में कमेंट में मुझे बताएं कि भाई रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड हो सकते हैं. तो जो सेवेंथ डेडली सिन गांधी जी ने प्रपोज किया, पॉलिटिकल विदाउट प्रिंसिपल. सो रिगार्डिंग पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, गांधी जी सेड, हैविंग पॉलिटिक्स विदाउट ट्रूथ टू जस्टली डिक्टेट द एक्शन, इट क्रिएट्स केओस एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू वायलेंस. तो आप देखते होंगे कि पॉलिटिशियंस जो है ये लाखों करोड़ों खर्च करते हैं अपनी इमेज बनाने के लिए. इवन दो इट कैन बी फेक, इट्स सुपरफिशियल, उसमें कोई सब्सटेंस भी नहीं होता. दे जस्ट डूइंग इट इन ऑर्डर टू गेन वोट्स. तो अगर कोई प्रिंसिपल नहीं होगा तो वी कांट से देर इज नॉर्थ, देर इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. इफ देर इज नो प्रिंसिपल, देर इज नो नॉर्थ, देर इज नो साउथ, एंड नथिंग यू कैन डिपेंड अपॉन. सो बिना प्रिंसिपल के, बिना कुछ वैल्यूज के, you can't come into politics and be a great leader. Principle is very important when it comes to politics, when it comes to so many aspects in the life also. But here we are talking just about politics. So politics without principle, it's a deadly sin. So I hope aapko ye lecture samajh mein aaya hoga. Ek bahut important lecture hai. To nahi samajh mein aa raha hai to ek baar fir dekho, 1.25 mein dekho, 1.5 mein dekho, jitni bhi speed mein dekhna hai dekho, but dobara dekho zarur, क्योंकि तभी क्लैरिटी लगेगी, एक बार में समझ में नहीं आने वाला. सो विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर.